उसके प्रायोजक है सोनपरी टेलीकॉम। अब आप पा सकते हैं दिन भर की सारी खबरें अपने मोबाइल पर, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एटीएन टीवी न्यूज ऐप और पाइए सारी जानकारी। नमस्कार, एटीएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हिम्मतनगर बहुमाली जनसेवा केंद्र में जनता का है बुरा हाल। कड़कती धूप में बहुमाली भवन हिम्मतनगर में तंत्र की सुस्त कामगिरी से लोग हुए परेशान। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। तंत्र की सुस्त कामगिरी की वजह से लोग भूखे प्यासे रहकर परेशानी उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई दिन हो जाने के बावजूद भी आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और उसकी जगह नए नए बहाने तंत्र के अधिकारियों द्वारा जनता को बताकर परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अपने अपने जगह के स्कूल केंद्र में ही कर देने से आसानी हो सकती है। हिम्मतनगर से अकरम कुरैशी की खास रिपोर्ट। अपने शहर और आसपास की खबरें जानने के लिए देखते रहिए एटीएन टीवी न्यूज। मेरा नाम अब्दुल कादिर डोई है। आपको क्या समस्या है, आप यहाँ क्यों आए? आज मैं यहाँ आया हूँ और बच्चे को लोग का आधार कार्ड करवाने आया हूँ मैं। बट आधार कार्ड करवाने जब आया मैं तो यहाँ तो लाइनों की कतार है, तो जितने दूसरे लोग के पास से मैंने राय ली। वो बोल रहे हैं हम 4 दिन से 5 दिन से आ रहे हैं, तो हमारे को तो बहुत दिक्कत है। मेरा मानना है कि ये चीज़ आधार कार्ड की चीज़ वो स्कूल में हो जावे तो दिक्कत दूर हो सकती है। और दूसरी और क्या परेशानी है? परेशानी तो छोटे बच्चे को तो बहुत परेशानी पड़ती है। आज मैं 18 न्यूज से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बात आगे सरकार को पहुँचाए और हमारा अच्छे से काम हुए, ऐसी बात हम 18 न्यूज कहना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।